हमारे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रांगण में हमने सभी कॉरपोरेटर के जो 75 के 75 कॉरपोरेटर हैं उनके आग्रह था मेरे से कि हमारी बात और ख़ासकर हमारे चेयरमैन कॉरपोरेशन के गवर्नर साहब तक बात पहुंचाई जाए कि हम लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू होते हैं। जो सरकार ने हैंडीकैप, ओल्ड एज और विडो पेंशन को उन लोगों की बंद की है जिनका बीपीएल नहीं है, उसके लिए हमने गवर्नर साहब से अपील की है कि आप लोग 1 अप्रैल से जो पेंशन बंद की है उसको जिनकी लगी हुई है उनकी पेंशन बंद नहीं किया जाए, आगे से लेके बीपीएल जो लोग हैं उनको ही दी जाए। क्योंकि बीपीएल का पीएचएच का राशन कार्ड बनाने के लिए एक तहसीलदार से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि इस आदमी की इनकम जो है इतने से 2000, 4000, 5000, 7000 से ऊपर नहीं है, और उसी सर्टिफिकेट के आधार पे उन लोगों की पेंशन लगाई गई है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि सभी लोगों का मानना था हमारे कॉर्पोरेटर्स का, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग ओल्ड एज हैं, बेड रिडन हैं, हैंडीकैप हैं, इतने गरीब हैं कि वो लोगों के दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकते, तो वो लोग दोबारा पीएचएस बनाना या पेंशन का फार्म भरना वो नहीं हो पाएगा। जो कतार में अंतिम खड़ा व्यक्ति जिसकी हम बात करते हैं वो उस लाभ से वंचित तो हो जाएगा। तो एक बात हमने सरकार से ये की है, दूसरा हमने कहा है गवर्नर साहब से कि जो पीएचएच राशन कार्ड की फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको सिंपल किया जाए, सिंगल विंडो किया जाए, ताकि आम आदमी भी जो डिज़र्व करता है वो अपना पीएचएच बनाया जाए। तीसरा हमने सरकार से अपील की है कि आज से 11-12 साल पहले 2011 से पहले के राशन कार्ड बने हुए, अभी तक वो बाइफर्केट नहीं हुए हैं। एक आदमी के घर में 4 बेटे हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग कुंबे हैं, लेकिन राशन कार्ड एक है, उसमें से एक भाई की नौकरी लगती है, 3 भाई 1 भाई मजदूरी करता है। तो जब जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये आपके घर में एम्प्लाई है, आप बीपीएल नहीं हो सकते, लेकिन उनको वो चीज़ों की भी दिक्कत आ रही है। उनको जल्द से जल्द सरकार आदेश दे कि सरकार पे बोझ पड़ने वाला भी नहीं है, राशन तो उतना ही ले रहे हैं जितने 15 या 16 आदमी घर के हैं। अगर आपको राशन कार्ड को बाइफर्केट करते हैं तो जो गरीब आदमी डिज़र्व करता है उसको भी बीपीएल या दूसरे लाभ लेने का फ़ायदा मिलेगा। ये हमने सरकार से अपील की है। हमारे आदरणीय गवर्नर साहब लोगों के लिए बहुत काम कर रहे हैं, जम्मू में विकास कार्य बहुत सारे कर रहे हैं, जम्मू के लोगों के हित की बात है वो सुनते हैं, करते भी हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सभी ऑन द बिहाफ ऑफ 75 कॉर्पोरेटर्स, मैं ये बात कह रहा हूँ, गवर्नर साहब हमारी बात सुनेंगे और इसके भी संज्ञान लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है।